मुताला ये तंजीम और मंसूबंदी के साथ होना चाहिए। टारगेट हदफ वाजे होना चाहिए कि आप किन किन मैदानों में और किस तरह की और किस मियार की हिकमत पैदा करना चाहते हैं और इस मकसद के लिए आपको क्या मुताला करना चाहिए, मुताले के क्या मैदान होंगे और उनमें बैलेंस की तवाजुन की मतलूब शक्ल क्या होगी। मैं अपने दोस्तों को हमेशा 7 तरह की चीजों में जरूरी तवाजुन का मशवरा देता हूं, 7 किस्म की किताबें। मेरे ख्याल में एक तहरीकी नौजवान के, खातून के, बच्चे के टेबल पर इन 7 तरह की किताबें मुनासिब तवाजुन के साथ रहनी चाहिए। सबसे पहली चीज कुरान मजीद है, इसको रास्त अरबी जुबान में भी पढ़ना चाहिए और तर्जुमों और तफासीर की मदद से भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। बाकायदगी के साथ मुतय्यन हिस्से का 1 रुकू, 2 रुकू ये मुताला भी होना चाहिए और अपने इल्मी, फिक्री और अमली मसाइल के सिलसिले में, अपने सवालात के सिलसिले में बार बार कुरान से रुजू करने और सवालात का, उलझनों का कुरान में हल ढूंढने की भी आदत होनी चाहिए। दूसरी अहम कैटेगरी अपने पेशे और शोबे इल्म से मुताल्लिक किताबें और उस शोबे के इस्लामी नुक्ते नजर की वजाहत करने वाली किताबें, यानी अगर आप माशियात के तालिब इल्म हैं तो माशियात की बुलंद पाया और ताजा तरीन किताबें भी पढ़ें और इस्लामी माशियात भी पढ़ते रहें। अगर आपका ताल्लुक मेडिकल साइंस से है तो मेडिकल साइंस की मेयारी तहकीकात पर भी आपकी नजर हो और उन इस्लाम पसंद मुसन्निफीन को भी पढ़ते रहें जो जदीद मेडिकल साइंस का इस्लामी नुक्ते नजर से जायजा ले रहे हैं। तो इस तरह जो भी आपका मैदान है उस मैदान से मुताल्लिक किताबें और उसके इस्लामी नुक्ते नजर से मुताल्लिक किताबें। तीसरी कैटेगरीज है सलफ सालेहीन की किताबें, इसलिए कि इस्लाम की इल्मी तारीख के पूरे असासे से हमारी वाबस्तगी, हमारी सही इल्मी और फिक्री उठान के लिए जरूरी है। अहम तफासिर कुरान, हदीस की 6 किताबें, उसूल तफसीर, उसूल फिका वगैरह जैसे उलूम की किताबें, इन सब से हम हस्ब इस्तेताअत इस्तेफादा करें। खास तौर पर इमाम गजाली, इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने खल्दून, शाह वलीउल्लाह रहमहुमुल्लाह, ये हमारी इल्मी और फिक्री तारीख के अहम निशान और संघाए मील है। उनसे मुनासिब इस्तेफादा ना हो तो हमारे इल्म व फिक्र में बड़ा खला रह जाता है। तो ये गोया 3rd कैटेगरी होगी। 4th कैटेगरी तहरीक इस्लामी के लिटरेचर, खास तौर पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मौलाना मौदूदी की तमाम किताबें पढ़ लें। मौलाना मौदूदी के अलावा मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही, सैयद कुतुब और उन मासिर मुसन्निफीन को भी पढ़ने की कोशिश होनी चाहिए जिन्होंने बदले हुए हालात में नए मसाइल को हल करने की कोशिश की है। 5वीं कैटेगरी दीगर जदीद इस्लामी लिटरेचर, यानी तहरीक के मारूफ दायरे के बाहर माजी में जो कुछ अच्छा काम हुआ है और आज भी जो काम हो रहा है, मुख्तलिफ मकातिब के उलमा जो लिख रहे हैं, वो भी इस्लामी फिक्र का अहम हिस्सा है। कई बेश कीमत किताबें हमारे मुल्क में भी शाये हो रही हैं और बैरून मुल्क में भी हो रही हैं, इनको भी पढ़ना चाहिए। 6ठी कैटेगरी है जाहली अफकार नजरियात और उलूम का मुताला, इसलिए कि जाहिलियत के सही फहम शऊर के बगैर इस्लाम का काम नहीं हो सकता। जाहिली अफकार और नजरियात, फलसफे, रुझानात, जदीद दुनिया के मसाइल, उसके स्ट्रक्चर्स, उसकी पेचीदगियां, इन सब को समझने के लिए जो मियारी किताबें हैं वो पढ़ना चाहिए। और 7वीं और आखिरी कैटेगरी है अदब लिटरेचर। मेरे नजदीक नावल, अफसाना, शेर, इंशाइये, सफरनामे, कॉलम्स, तंजो मिजा, जासूसी अदब, शिकारियात, सवाने उमरियां, इन सब का मुताला भी जरूरी है। हिकमत के कई गोशे ऐसे होते हैं जो गहरी इल्मी किताबों की दस्तरस और दायरे से परे होते हैं। वो अक्सर हल्के फुल्के और लतीफ अदब ही के जरिए वाशिगाफ होते हैं। अदब ये जुबान पर कुदरत अता करता है, लब लहजे में शीरीनी और तासीर पैदा करता है, अल्फाज का खजाना बढ़ाता है, महावरों और रोजमर्रा पर गिरफ्त अता करता है और इल्म और हिकमत की बुलंदियों को आम जिंदगी से जोड़ता है। हर घर में कुछ अच्छे मैगजीन जरूर आए, इसको यकीनी बनाना चाहिए। घरों में रिसालों का इंतजार हो, जिस उम्र के अरकान खानदान हो उस उम्र से मुताल्लिक रिसाले आए, ये सारी कोशिशें होनी चाहिए। तो इस तरह ये 7 कैटेगरी मैंने बताई।